अश्विन ने पुजारा को कहा जानवर, स्पिनर्स का शिकार करता है ये जानवर, स्पिन का सबसे महान खिलाड़ी है पुजारा, अश्विन ने पुजारा को किया सलाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा समय में 4 मैचों की रोमांचक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जा रही है, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। 7 साल के लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया भारत का दौरा करने आई है, ऐसे में ये सीरीज भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा के लिए बेहद खास होने वाली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का दूसरा मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 17 फरवरी यानी शुक्रवार से खेला जाएगा, जिसमें टीम इंडिया के अनुभवी और दिग्गज बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा मैदान पर कदम रखते ही 100 या उससे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले भारत के तरफ से 13वें खिलाड़ी बन जाएंगे, जिसको लेकर उनके साथी खिलाड़ी और अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है और उनकी जमकर तारीफ की है। अश्विन ने पुजारा की तारीफ करते हुए कहा है कि पुजारा स्पिन के खिलाफ खेलने में सबसे महान खिलाड़ी हैं। बता दें कि पुजारा उन भारतीय खिलाड़ियों की एलीट सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने 100 या उससे ज्यादा टेस्ट मुकाबले खेले हैं। अब तक भारत के लिए कारनामा कुल 12 खिलाड़ियों ने किया है। गौरतलब है कि 35 साल के पुजारा ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। वह उसी टीम के खिलाफ अपना अब 100वां टेस्ट मुकाबला भी खेलने जा रहे हैं। अश्विन ने पुजारा को लेकर कहा, पुजारा स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें जानने के इन वर्षों के दौरान मैंने बहुत करीब से उन्हें देखा है। अश्विन ने 2018-19 सीरीज में पैट कमिंस के जादू को याद किया और कहा कि पुजारा की जिद ने उनके सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर दिया था। पैट कमिंस अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन पुजारा ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो उनकी जिद ऐसी थी कि उन्होंने अपने डिफेंसिव माइंड से बेहतरीन आक्रमणों को ही धज्जियां उड़ा दी थी। अश्विन ने खुलासा किया कि वो पुजारा को मिरुगम बुलाते हैं, जिसका अर्थ जानवर होता है। पुजारा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और शानदार तरीके से उनका फोकस बल्लेबाजी के दौरान रहता है, ठीक वैसे ही जैसे जानवर अपने शिकार पर फोकस करता है। बहरहाल, भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले में मेहमान टीम को एक पारी और 132 रनों से हराकर जीत हासिल की। टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 से आगे है और अब उम्मीद यही है कि भारतीय टीम बाकी बचे हुए 3 टेस्ट मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए कंगारुओं को पस्त कर देगी।